नारायण 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 नारायण, सीधा इसकी आंखों में मत देखना और इसे छूना भी मत। चाची आप मुझे छोड़ोगी नहीं तो पकड़ोगी कैसे? प्रभावती नारायण का नाम जपो और पकड़ लो इसे। नारायण 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 नारायण। अब तुम इसे लेकर सीधा जशोदा जी के पास जाओ, हम तुम्हारे पीछे से आएंगे। अगर साथ आए तो जशोदा जी सोचेगी कि हम इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे थे। खड़ी क्या है प्रभावती, शीघ्र लेके जाना। सारा का सारा माखन चट कर गयो तुम्हारा, और केवल माखन ही नहीं सारा दूध दही भी चट कर गयो जी। सोचो अब व्यापारी जी को क्या मुंह दिखाओगी, इसे रोकना ही पड़ेगा प्रभावती। यशोदा जीजी कहाँ हो, बाहर आओ जीजी। क्या होगा प्रभावती, ऐसे आकाश सर पे क्यों उठा रही है? क्योंकि आपके लल्ला को रंगे हाथों पकड़ो है मैंने। आपको साक्ष्य चाहिए था ना, जे रहो साक्ष्य। अब बताइए कौन है दोषी, हम सब गोपियां या आपका कान्हा? अच्छा तो तूने मेरे कान्हा को रंगे हाथ पकड़ो है? हाँ। पक्की बात? अब भी कोई संदेह है आपको? सबके सामने पकड़ो है माखन चुराते हुए। अच्छा तो कहाँ पकड़ो है तूने इसे? मेरे घर पर। ओ तो तूने कहीं सबके सामने पकड़ो है, तो और कौन कौन था वहाँ? सुलक्षणा थी। मेरा नाम लेने की क्या आवश्यकता थी इसे? संकरी मौसी थी, सुमति, सावित्री, कस्तूरी। ये सबको नाम क्यों ले रही है? और जानकी भी थी। अब यशोदा भाभी कभी अपने घर में प्रवेश ही ना करने देंगी हमें। अब सब बाहर से क्या तांखा जाकी कर रही हो, भीतर आ ही जाओ। तुम सबको तनिक भी लज्जा ना आती ना? हाँ सारी स्त्रियां एक साथ मिलके मेरे नन्हे से कान्हा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हो सबकी सब। तुम सबके पतियों को अच्छा लगेगा ना ये सब जान के? पर भाभी हम सब प्रभावती चाची के यहाँ छुप कर बैठी थी, वहाँ हमने अपनी आंखों से देखा है कान्हा को चोरी करते हुए। जशोदा जी हमें ये सब आप ही के कारण करना पड़ रहा है। मेरे कारण? साक्ष्य लाने भी तो तूने ही कही थी ना। अब जे रहो आपका साक्ष्य, आपका कान्हा। प्रभावती तेरी मति मारी गई है क्या? हाँ तू भी आ गई इन सबके झांसे में? ना ना जीजी, मैं इन सबकी जैसी ना हूँ जो केवल आरोप लगाऊं। कान्हा को स्वयं पकड़ो है मैंने चोरी करते हुए, तभी तो लाई हूँ। तो पहले देख भी ले तूने किसका हाथ पकड़ो है, मेरे कान्हा का या अपने श्रीदामा का। ये कैसे संभव है?
तो लगता है अधिक माखन बेचने के चक्कर में बहुत अधिक श्रम कर रही है तू। तभी तो अपने लल्ला में भी तुझे मेरा कान्हा दिख रहा है। यहाँ कैसे आ गो तू? अवश्य कान्हा ने अदला बदली की होगी। मैं क्या, तूने भी माखन खायो है ना? कान्हा से मिलो है तू भी ना? अरे बस कर प्रभावती, अपनी भूल छुपाने के लिए उस निर्दोष बालक को क्यों डांट रही है? पर जशोदा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रभावती को आपके कान्हा को पकड़ते हुए। हाँ भाभी, मैंने भी देखा था। देखा तो मैंने भी था। हाँ, हमने सभी देखा था। फिर श्री मामा कैसे यहाँ आ गए हो? प्रभावती ने ही मार्ग में कुछ न कुछ गड़बड़ कर दी होगी। मैंने कोई गड़बड़ ना की है, हाथ पकड़ कर सीधा यही लाई हुई से। फिर कहाँ गयो माना? हाँ बता कहाँ गयो। बस अब अपनी भूल मान लो सब। तुम सब मेरे कान्हा को माखन चोर सिद्ध करने की हट में इतनी अंधी हो गई हो ना कि तुम्हें श्रीदामा में भी कान्हा दिख रहा है। और तू प्रभावती, तूने तो उस निर्दोष को माखन भी ना खाने दियो और उसे कान्हा समझ के यहाँ ले आई। देख मुंह पे माखन लगो है। जीजी, कान्हा ने अवश्य ही कोई छल क्यों है। हाँ भाभी, क्या और कैसे जे मती पूछो, इसका उत्तर ना है हमारे पास। पर कछु ना कछु कियो है उसने, नहीं तो हर बार कैसे बच जाता है। हाँ वही तो, अपनी आंखों से न देखो हो तो मुझे भी विश्वास नहीं हो तो। पर जशोदा, इस बार चोरी तो कान्हा ने ही की है, मेरी बात मानती हो ना तुम? हाँ हाँ जे सही है मौसी, आप सब श्रीदामा को कान्हा बुलाओ मैं मान जाऊँ, आप सब मेरे कान्हा को माखन चोर बुलाओ मैं मान जाऊँ। अरे आप सबके मन में जो कछु आए आप बोलो और मैं बावली मान जाऊँ। मती मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगो ना तब मानना पड़ेगो जशोदा जी। मानना ही पड़ेगो। हाँ जीत जी, बालक को ऐसे बचाओगी तो उसका साहस बढ़ते ही जाओगे। जब अपनी आंखों से अपने लल्ला को चोरी करते हुए देखोगे ना जीजी, तब हम सब आपसे प्रसन्न करेंगे। फिर देखते हैं क्या उत्तर है आपके पास। चलो। हाँ चलो। स्वयं को सिद्ध ना कर पाई तो अनर्गल बड़बड़ा रही है सबके साथ। मेरा लल्ला अपने घर पे माखन क्यों चुराएगा भला? तुमने और जिज्जी के सामने उपहास का पात्र बना दिया मुझे। जे तुमने ठीक ना किया, पहले ना बोल सकता था कि मैंने कान्हा को ना तुझे पकड़ो है। तो पर मैं तो यहाँ हूँ ना मैया। मैं तो अभी श्रीधामा को भीतर लाई थी। पर मैं तो यही था मैया घर पे। मैंने कान्हा को चोरी करते पकड़ो, उसे जिज्जी के पास ले गई, वहां पलट के देखू तो वो कान्हा ना श्रीधामा था। फिर मैं श्रीधामा को यहाँ पर लेकर आई तो वो कान्हा निकला। ये क्या हो रहा है? लग तो है अधिक माखन बेचने के लिए बहुत अधिक श्रम कर रही हो आप। इसलिए श्रीधामा मैं दिख रहा हूँ चाची। ना, तू यहाँ माखन चुराने आयो था और अब मेरे साथ छल कर रहे है। ओहो चाची, आप भूल रही हो, मैं तो यहाँ गुड़ वाला दही खाने आया था। आप ही ने बुलाया था ना? हाँ बुलाया तो मैंने ही था। बहुत स्वादिष्ट था, फिर से बनाओ तो बताना, मैं फिर आऊंगा खाने।